वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल केडा गुरु। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आ चुका हूं आपके लिए क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर का एक और ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक वही जो काम करे। वैसे तो बहुत सारे ट्रिक आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे बंद हो चुके हैं या फिर अभी अनयूजबल है। तो ट्रिक वही जो काम करे, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बस आज की जो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मैं आपको दो ट्रिक्स बताऊंगा जिसके जरिए आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, और दूसरे में आपको थोड़ा सा चार्जेस देना पड़ सकता है। तो ये सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा इस तरह की वीडियोस बना सकूं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होता है, चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और ऐसे ही नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो भी कोई पहले अपडेट आता है सबसे पहले मैं वहीं पर डाल देता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। और फ्रेंड्स, आप सभी का टाइम वेस्ट ना करते हुए सिंपली हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो गाइस, आज की इस जो वीडियो मैं बताने वाला हूं कि आप पेटीएम और पेटीएम मर्चेंट के थ्रू कैसे आप अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड की मनी को ले सकते हैं। ट्रिक ओल्ड ही है, लेकिन बहुत ही अच्छे से अभी वर्क कर रही है और किसी किसी अकाउंट में वर्क कर रही है। और दोस्तों, ये जो ट्रिक है अगर आपके पास चल रही है तो बहुत ही आसानी से आप इस ट्रिक को यूज़ करके अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को सेटलमेंट कर सकते हैं। और जिसका ये ट्रिक बंद हो चुका है वो अपनी क्रेडिट कार्ड की मनी को कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो सिंपली मैं अपने पेटीएम अकाउंट को ओपन कर लेता हूं। तो गाइस, मैंने यहां पर कर लिया अपने पेटीएम अकाउंट को ओपन। सो गाइस, ये जो मेरा पेटीएम अकाउंट है, यहां पर अभी मैं क्रेडिट कार्ड से मनी को ऐड कर सकता हूं। तो क्रेडिट कार्ड की मनी को ऐड करने के लिए सिंपली मैं यहां पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली मैं यहां पेटीएम वॉलेट पर क्लिक करूंगा, और उसके बाद यहां पर ऐड मनी टू वॉलेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके मैं यहाँ पर मनी को ऐड कर सकता हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने ऑलरेडी से यहाँ पर अपने वॉलेट में पैसे ऐड करके रखे हुए हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक पे वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपका होम पेज पे ही, सो इस पे वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है। और जो भी आपका बिजनेस अकाउंट है, जहाँ पर अभी आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, तो उस वाले बिजनेस अकाउंट पे आपने सिंपली स्कैन एंड पे करना है। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास एक क्यूआर कोड पड़ा हुआ है मेरी एक शॉप का, तो मैं वहाँ पर स्कैन एंड पे करके आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ सिंपली पे वाले ऑप्शन पे गया, और उसके बाद मेरे पास क्यूआर कोड था नीचे, वो मैं स्कैन कर ले रहा हूँ। सो गाइस, हमने यहाँ पर जो क्यूआर कोड था उसको स्कैन कर लिया, और उसके बाद जितनी भी अमाउंट हमने यहाँ पर सेंड करनी है वो अमाउंट हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो दोस्तों, हम 500 रुपये यहाँ पर डाल देते हैं, और उसका सिंपली हमें पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, आप ये देख सकते हो हमने यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, और ये जो हमारा ट्रांजेक्शन था सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है। सो गाइस, ये था ओल्ड ट्रिक जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। और ये ट्रिक अभी भी बहुत जगह वर्क कर रही है। जिस अकाउंट में वर्क कर रहा है उस अकाउंट में इस ट्रिक को यूज़ करके बहुत ही आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे ट्रिक की। अगर जिसका पेटीएम बिजनेस अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, जहाँ पर वॉलेट एक्सेप्टेड नहीं है, वो आप किस तरह से अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हम सिंपली अपने बिजनेस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर अपना बिजनेस अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ, जो ये वाला बिजनेस अकाउंट है जो ब्लॉक हो चुका है। इसके लिए सिंपली मैं अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आपको चार्जेस एंड लिमिट्स आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो वॉलेट का जो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, तो अगर मैं वॉलेट से इस क्यूआर कोड पर अगर कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1.99% और प्लस GST करके मुझे यहाँ पर चार्जेस पे करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये आप कैसे मतलब कि हटाओगे, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली कैसे क्रेडिट कार्ड से अपनी डायरेक्टली पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, तो इसके लिए सिंपली आपने फिर से यहाँ पर जैसी होम पेज पर आ जाओगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू अपग्रेड रिक्वेस्ट स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो फिर से आपको जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा चार्जेस एंड लिमिट्स वाला, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए व्यू अपग्रेड रिक्वेस्ट स्टेटस वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, बल्कि जो अनलिमिटेड मंथली पेमेंट एक्सेप्टेंशन और जितनी भी आपको यहाँ पर अमाउंट शो कर रही है, जैसे मेरे यहाँ पर 50,000 का जो एक्टिव है और अनलिमिटेड पेमेंट्स है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा, तो इस वाले पेज को जस्ट आपने स्क्रॉल डाउन ही करना है, यहाँ पर और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जहाँ दोस्तों, इस पेज को हम ओपन होने देते हैं।
तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मांगी जाएंगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपग्रेड करने के लिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपग्रेड नहीं करना है बल्कि एक स्टेप बैक जाना है। जी हाँ दोस्तों, इस पेज से एक स्टेप बैक जाना है। तो चलिए हम एक स्टेप बैक चले जाते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप एक स्टेप बैक जाते हो तो आपका जो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मंथली जो सेटलमेंट है वो आपकी 50,000 है और जो डेली सेटलमेंट है 20,000 है। और उसके बाद यहाँ पर पेटीएम वॉलेट जो है वो ऑलरेडी एक्टिव है, बट इसमें हमें 1.99% चार्जेस देने पड़ेंगे। सो गाइस, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन जो है एक्स्ट्रा दिख जाता है। एक तो जो है क्रेडिट कार्ड, अगर डायरेक्टली आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो और या फिर पेमेंट लिंक भी सेंड करते हो, डायरेक्टली आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकता है। और दूसरा जो ऑप्शन है पेटीएम पोस्टपेड का, तो इसके थ्रू भी आपको कोई पेमेंट कर सकता है। और तीसरा जो ऑप्शन है डेबिट कार्ड का, तो इन सबको आपने बस एक्टिवेट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है उसको हम एक्टिवेट करके देखते हैं यहाँ पर हमें क्या चार्जेस वगैरह देने पड़ सकते हैं। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिवेट क्रेडिट कार्ड, द फॉलोइंग चार्जेस विल बी एप्लीकेबल फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स विद क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली पेमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ पर 1.99% प्लस GST आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आप चाहो तो इस सर्विस को भी एक्टिवेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो भी बिजनेस अकाउंट है या फिर जो भी वॉलेट है वो ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे या फिर ब्लॉक ही नहीं होंगे। तो आप बहुत ही आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने अकाउंट में ले सकते हैं। 1.99% कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग 3-4% देकर अपनी क्रेडिट कार्ड की मनी को सेटलमेंट करवा रहे हैं। चलिए यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड की, तो दोस्तों ये जो है कुछ अकाउंट्स पर अभी एक्टिवेट हो रहा है और कुछ अकाउंट्स पर अभी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इस प्रोसेस के भी आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे अकाउंट पर इनेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम इसको लोड इन हो लेने देते हैं। सो गाइस, ये जो पेटीएम पोस्टपेड वाला है बहुत से अकाउंट पे वर्क कर रहा है, बहुत से अकाउंट पे वर्क नहीं कर रहा है। आई थिंक मेरे अकाउंट पे वर्क ये नहीं कर रहा है, इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा लोडिंग में टाइम ले रहा है। तो बाकी अगर इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको अगली इस वीडियो में बता दूंगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। आपके पास अगर एक न्यू अकाउंट है तो वहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से बहुत ही आसानी से मनी को ऐड कर सकते हैं अपने पेटीएम वॉलेट में, और उस QR कोड को स्कैन कीजिए जहाँ पर अभी चार्जेस नहीं पड़ रहे हैं, तो वो भी आप बहुत ही आसानी से एक बिजनेस अकाउंट भी बना सकते हैं खुद से बना सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आपका वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या फिर आपका जो कोई भी ओल्ड अकाउंट ब्लॉक है उसमें आप कैसे अपने क्रेडिट कार्ड की डायरेक्ट सेटलमेंट एक्टिवेट कर सकते हो, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और वीडियो में दी गई जानकारी से आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्या पता आपकी एक शेयर से किसी न किसी की हेल्प हो जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।